वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी का पुष्प वर्षा कर स्वागत, फूलों सजी कार पर पीएम के साथ नजर आए सीएम योगी। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी का सीएम योगी ने शॉल भेंट कर किया अभिनंदन, हर हर महादेव के लगाए गए जयकारे। पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले मां गंगा ही मेरी मां, मां गंगा ने मुझे पहले काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बोले महिलाओं के आरक्षण को लेकर विरोध में इंडिया गठबंधन। नारी शक्ति संवाद के बाद संकट मोचन में मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया स्वीकार। बिहार के बाद यूपी के प्रयागराज में गर्जे पीएम मोदी, कहा 2024 का यह चुनाव तय करेगा कि भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान अयोध्या के राम मंदिर का किया जिक्र, कहा मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। निषाद राज के श्रृंगवीरपुर के विकास पर बोले पीएम मोदी, कहा राम मन गमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा श्रृंगवीरपुर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले क्या करेंगे ये काम। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, बोले इंडी गठबंधन वालों को हजम नहीं होती भारत की तारीफ। सपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता, कांग्रेस के सहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ओडिशा के ढेंकनाल में गृहमंत्री अमित शाह ने की विशाल जनसभा, लोगों से बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा आपका वोट ओडिशा को समृद्ध बनाएगा। ओडिशा के संबलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली, बोले पांचवें चरण में मोदी जी ने 310 किया क्रॉस। देखो भाई पांच चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं, अब छठा और सातवां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। अमित शाह ने मंच पर किया दावा, छह और सातवें चरण में बीजेपी करेगी 400 पार। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले उत्कल पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, महादेव का जल अभिषेक कर लगाया चंदन, श्रृंगार कर उतारी आरती। वाराणसी के कालभैरव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, बाबा की वंदना कर उतारी आरती। संत कबीरनगर में यूपी के सीएम योगी ने जनसभा में कहा समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली, हमारी सरकार ने अयोध्या को फिर से दिलवाया त्रेता युग का गौरव। बस्ती में सीएम योगी ने की जनसभा में लोगों से लगवाए 400 पार के नारे, कहा 400 पार से नारे समाजवादी पार्टी को आने लगता है चक्कर। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी ने की जनसभा, बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। दिल्ली लोकसभा की सातों सीटों के लिए दिग्गज ने संभाली कमान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाट चौपाल से पालम रेलवे स्टेशन तक किया रोड शो। गाजे बाजे के साथ निकाला गया रोड शो, बीजेपी समर्थकों कार्यकर्ताओं पर बीजेपी अध्यक्ष ने की पुष्प वर्षा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते, पंजाब चुनाव में आतंकियों से फंडिंग को लेकर केजरीवाल नहीं दे रहे जवाब। 25 मई को दिल्ली की सातों सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली कमान, बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में बुद्ध विहार और रिठाला में किया रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया की जीत का किया दावा, कहा उत्तर पश्चिमी दिल्ली में लोकप्रिय हैं योगेंद्र चंदौलिया, भारी मतों से जीत रहे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में नितिन गडकरी ने की जनसभा, बांसुरी स्वराज के लिए लोगों से की वोट की अपील। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से की वोट की अपील। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सीएम केजरीवाल ने किया भव्य रोड शो, सीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। रोड शो के दौरान केजरीवाल में दिखा राम भक्त, सीताराम परिवार की मूर्ति को उठाकर दिखाई आस्था।
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भजनपुरा में किया रोड शो, लोगों से मांगा वोट। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, डॉक्टर अरविंद शर्मा को वोट देने की अपील। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, मिथुन बोले टीएमसी के पास कुछ नहीं बचा। पश्चिम बंगाल के घाटल में त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने किया रोड शो, खुली जीप पर सवार होकर मांगा जनसमर्थन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के लिए मांगे वोट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने की जनसभा, मथुरापुर में की बीजेपी को वोट देने की अपील। जमशेदपुर में सीएम केजरीवाल ने जलसा बजाया ड्रम, साथ में सीएम चंपाई सोरेन भी रहे मौजूद। जमशेदपुर में जनसभा को सीएम केजरीवाल ने किया संबोधित, बीजेपी पर बोला हमला, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। दक्षिण 24 परगना में असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने उठाया संदेश खाली का मामला, कहा वहां की माताओं बहनों ने मुझे बताई अपनी आप बीती। बशीरहाट में सीएम ममता बनर्जी ने कहा चुनाव में सब अपेक्षा करते हैं कि मैं उनके यहां आऊं, मैं सब जगह जाऊंगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हरियाणा जो संपन्न राज्य था वो कर्ज में डूब रहा, सरकार तरक्की का रास्ता भूल गई है। पुणे टंडन मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने की बैठक, जुवेनाइल बोर्ड के फैसले को लेकर जताई हैरानी, कहा ऊपरी कोर्ट में करेंगे अपील। पुणे टंडन केस में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिस बार में नाबालिग लड़के ने शराब पी थी उसे किया गया सील। हिट एंड रन केस के तीन आरोपियों को हिरासत में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश, आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, पोर चला रहे नाबालिग आरोपी का पिता गिरफ्तार। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग को जमानत, पुलिस ने कोर्ट से वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांगी इजाजत। राउज रेवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत, चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 28 मई को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर होगा विचार, 29 मई को के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर आएगा फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, शराब घोटाला केस में 31 मई तक बढ़ाई गई सिसोदिया की हिरासत। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली जमानत, जमानत अर्जी पर कल फिर होगी सुनवाई। स्वाति मालीवाल केस में जांच जारी, दिल्ली पुलिस विभव को लेकर गई मुंबई, गुरुवार रात तक विभव को कोर्ट में पेश करना होगा, एसआईटी समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को देगी रिपोर्ट। बाबा केदार के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब गर्भगृह में जाकर भक्त कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे, सोमवार को रिकॉर्ड 37,000 से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के किए दर्शन। अब तक 3,20,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, बाबा केदार के दर्शनार्थियों का ये एक नया कीर्तिमान है। चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीयन पर लगी रोक, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। हरिद्वार पंजीयन केंद्र पर पिछले 6 दिनों से नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण न होने से यात्रियों में निराशा। सूरत के ड्रोन बनाने वाली कंपनी के साथ इसराइल ने साइन किया एमओयू, दुनिया के किसी भी देश पर बैठे दुश्मन को जवाब दे सकता है ड्रोन, ड्रोन का किया गया ट्रायल। नागपुर में पुलिस ने लॉन्च किया नो हॉकिंग अभियान, लोगों को अनुशासन सिखाने के लिए पुलिस की कवायद। दिल्ली जू ने एक शानदार पहल की, लोग अपने पसंदीदा जानवर को ले सकते हैं गोद, उठा सकते हैं उसका खर्च, जानवरों के लिए करवा सकते हैं बेहतर व्यवस्थाएं। टोंक की छात्रा दिव्यांशी ने 12वीं में उत्तीर्ण किया 98% अंक, माता पिता का नाम जिले में किया रोशन, पेंटिंग की शौकीन है दिव्यांशी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के छात्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत, छात्र से वहां उसकी सुरक्षा के बारे में ली जानकारी।
मजदूर की बेटी ने वारंगल का नाम किया दुनिया में रोशन। कोप में हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में दीप्ति जीवन जी ने भारत का लहराया परचम। 400 मीटर की T20 कैटेगरी में जीता गोल्ड, पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त। बाबा महाकाल के दरबार में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने लगाई हाजिरी। 24 तारीख को रिलीज होने वाली फिल्म भैया जी की सफलता के लिए की प्रार्थना। चाय का ठेला लगाने वाले विनोद कुमार चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे, कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों को देंगे टक्कर। लोगों को पसंद आ रहा चाय वाले का अंदाज, चाय पीने वालों से हाथ जोड़कर मांगते हैं वोट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केरल में अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का किया उद्घाटन, कहा भारत और विश्व के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण।